मोदी जी का अहंकार आज की तारीख में सातवें आसमान पर है। पांच राज्यों में चुनाव हुआ और तीन राज्यों में ईवीएम के माध्यम से बेईमानी करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बना ली। और मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ढोल पीट रहे हैं जैसे कोई उनका चमत्कार है, लोग उनको बहुत चाहते हैं। और उन तीनों राज्यों में सरकार बनाने के बाद मोदी जी ने जिस तरह से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह बहुत गंभीर बात है, आपको समझने की जरूरत है। हर किसी को इस बात को समझने की जरूरत है। मोदी जी ने कहा कि इस बार सारी सीटें जीतेंगे, सारी सीटें। तो इस बार चुनाव कौन सा होना है? लोकसभा का। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543, यानी 543 सीटें जीतेंगे। इस धरती पर कोई भी कितना भी प्रसिद्ध विख्यात नेता क्यों ना हो, सभी सीटों कोई नहीं जीत सकता कभी भी। मैं यहां तक दावा करता हूं, अगर इस धरती का कोई खुदा है, कोई भगवान है, वो भी अगर उतर के आ जाए तो सारी सीटें वो भी नहीं जीत सकता। मोदी जी किस घमंड में बात कर रहे हैं? मोदी जी घमंड में कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है और ईवीएम उनके हाथ में है, इसीलिए वो जीतने का दावा कर रहे हैं। और मैंने बार बार इसी बात के लिए उन्हें चेतावनी दी है, मोदी जी अगर आपको इतना ही विश्वास है अपने प्रशंसकों पर, अगर आप लोग, आपको लोग इतना ही चाहते हैं, एक बार इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने दो। बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होने दो। आप अपनी भी सीट अगर जीत के आ जाओ तो बताना, बीजेपी 40 से ज्यादा सीट जीत नहीं पाएगी। यही स्थिति आज की तारीख में है। 3% से ज्यादा लोग आज की तारीख में मोदी जी को नहीं चाहते, यही स्थिति है हकीकत में। और मैं अब आपके सामने एक ऐसे क्रांतिकारी जुझारू साथी को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हिंदू कॉलेज में रहते हुए अपना झंडा, अपना डंडा बुलंद करके रखा है, गाड़ कर रखा है। ऐसे प्रोफेसर रतनलाल सर जो अंबेडकर नामा चलाते हैं और लोगों की बात उनके बीच में पहुंचाते हैं, मैं चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर रतनलाल साहब, प्रोफेसर रतनलाल साहब, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर रतनलाल साहब।